चाहता का उल्टा चश्मा। सब कुर्सियां एकदम सेट हो गई थी। आप दोनों यहाँ? आइए आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। सिर्फ दोनों नहीं, तीनों बावरी जी भी हैं। तो कहाँ है वो? अंदर किचन में हमारे लिए चाय बना रहे हैं। वो सेठ जी, दरअसल हमने सोचा कि यहाँ तक आए ही हैं तो बापूजी से मिलते जाएं। हाँ, मैंने अच्छा किया। मगर फिर क्या हुआ? हाँ, फिर लकी ड्रॉ शुरू हुआ। ए संजय, तो क्या बापूजी को लकी ड्रॉ का आंखों देखा अहवाल बता रहा है? नहीं, तू मत बता, मैं बताऊंगा। मेरे बापूजी है ले लेने, ये बताओ तो। अरे बापूजी, मैं क्लब हाउस से निकला तब से मैंने मन में नक्की किया था कि घर पहुंचते ही या लकी ड्रॉ के बारे में पूरा विगतवार मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, बगा इसे बताने चल बता। हाँ, तो तूने कहाँ तक बताया? नहीं, मैंने तो बस बापूजी को इतना ही बताया कि हम सब क्लब हाउस में मिले और टप्पू सेठ जी ने वो लिंक स्टार्ट की और फिर बस उतने में आप आ गए। अच्छा, तो बापू जी फिर हुआ यूं। नहीं, मुझे पूरा मत बता भाई, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई इनाम जीता कि नहीं? अरे जीता नहीं बापू जी, जीते बहुत लोग जीते। कौन कौन? ये अब्दुल सबसे पहले वो 1 ग्राम सोने का सिक्का जीता। अरे वाह। फिर भिड़े स्त्री जीता। अरे वाह। फिर पोपटलाल अपना वो हनीमून टूर पैकेज जीता। लेकिन उसकी अभी तक शादी कहाँ हुई? हाँ, लेकिन वो जो इनाम है ना बापूजी, वो 1 साल तक वैलिड है। वैलिड है बापूजी, 1 साल तक वो वैलिड है। मतलब ये कि 1 साल में आप कभी भी हनीमून पे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, अरे लेकिन कार कौन जीता वो तो बताओ। अरे बापूजी। सेठ जी, ये मुझे बताने दीजिए ना। ए, क्या मुझे बताने दीजिए? सेठ जी, आगे के 3 नाम आपने बताए ना, तो ये नाम मुझे बताने दीजिए ना। अरे भाई, ये एक ही तो मेन है। सेठ जी प्लीज मुझे बताने दीजिए ना। नहीं सेठ जी प्लीज बताने दीजिए ना। नहीं सेठ जी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बताओ ना भाई, कौन जीता कार? बबीता जी। हाँ बापूजी, कार बबीता जी जीते। अरे क्या कर रहे हैं बाघा? क्या हुआ? बबीता बेटी कार नहीं जीती है? नहीं, कार बबीता जी जीते। तो फिर क्यों गुस्सा हो रहा है? तो मुझे बताना था बापूजी। तो लेकिन बताया तो नटू ने ना, उसमें बाघा पे क्यों गुस्सा हो रहा है? तो नटू का क्यों बता दिया आपने? सॉरी सेठ जी, आप और बाघा बहस कर रहे थे, तभी मैंने देखा बापूजी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो मैंने बता दिया। अच्छा किया, अच्छा किया बता दिया। वो बापूजी कब से जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे ना, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताना ही चाहिए ना। तो बापूजी कुल मिला के कार बबीता जी जीते। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा हो गया, तेरी इच्छा पूरी हो गई। नहीं तू चाहता था ना कि कार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से ही कोई जीते। हाँ हाँ हाँ। वैसे सेठ जी, इस सेल से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा नहीं? ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में नया आया है? मतलब नटू काका, इस स्कीम से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा नहीं? रामसंग कंपनी वालों को फायदा हुआ, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा हुआ, जिन लोगों को कूपन में इनाम लगे उन सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। हाँ, सिर्फ 2 लोगों को फायदा नहीं हुआ। अरे कौन दोनों? 2 बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले। मैं समझ गया बापूजी, ये दोनों उनकी ही बात कर रहे हैं। इनकी? उनकी खुद की। क्या पूछ के आ रहे हैं ये दोनों? पगार बढ़ाने की बात। लेकिन ये दोनों भी कमाल है। जब जब मैंने सामने से पगार बढ़ाने की बात की है तब तक इन्होंने मुझे मना किया है कि नहीं 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 अभी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ तो सेठ जी हम आज भी पगार बढ़ाने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों बोला कि सबका फायदा हुआ सिर्फ दो लोगों को छोड़ के। हाँ वो सॉरी सेठ जी ऐसे ही वो मुँह से निकल गया। सॉरी सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे बापूजी ये स्कीम को कसकेसफुल बनाने के लिए नट्टू काका बाघा बावरी और मगन ये चारों ने बहुत मेहनत की है। तो नट्टू काका और बाघा को 11-11 हजार और बावरी और मगन को 5-5 हजार खुशी भेंट दूंगा।